नमस्कार। तो राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी झील पर घूमने का पूरा आनंद उठा रहा हूँ और आपको लाइव भी दिखा रहा हूँ। लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि ये राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी पाल कहाँ है और ये झील कहाँ है और कब इसका निर्माण हुआ और इसकी विशेषताएँ क्या है। इसका मैं बता दूँ कि कई बड़े बड़े खेतों में इसकी सिंचाई के लिए इसका पानी उपयोग होता है, पीने के लिए जो है वो पानी ये यहाँ पर उपयोग होता है। और उदय मतलब राजसमंद के लिए ये पूरी लाइफलाइन है, पूरी पूरी झील जो है ये पूरी लाइफलाइन है। और इसका निर्माण 1652 की ईस्वी में महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था और जब से ये झील बनी है, क्योंकि गोमती नदी का जो पानी है वो पूरा पानी बहकर जो है चला जाता था, उसको पानी को रोकने के लिए महाराणा राज सिंह जी ने योजनाएँ बनाई थी। उस समय इंजीनियर भी सुझाव दिया था कि इस तट को कैसे बांधा जाए और वो वाला सामना जो तट है उसको कैसे बांधा जाए। दोनों तटों को जो है बांधा गया और दोनों बांधने के बाद विशाल यहाँ मिट्टी खोद कर यहाँ डाली गई और वो ओड़ समाज के लोगों ने उस समय पूरी मिट्टी को खोद कर जो है यहाँ पर टीला बनाया। और उसके बाद में देखिए आप ये विशाल नौ चौकी शिल्पकार सिलावट लोगों ने इसकी कलाकृति की, मार्बल लगाया गया और उसके बाद ये नौ चौकी पाल के नाम से विख्यात हुई, जो आज भी बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर देखें आप झील का अपना अलग ही मज़ा है। यहाँ पे कपल वगैरह सभी अपना फ़ोटो खींचते हैं, चाहे त्रिवेणी बनाने की बात हो, नहाने की बात हो, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पे गार्ड्स वगैरह हो गए हैं, पहले यहाँ पे एक चुनौती थी यहाँ पे कोई घूमना, लेकिन अब गार्ड्स वगैरह है, पुलिस का पहरा यहाँ पर रहता है, वोटिंग यहाँ पर है। तो कुल मिला के कहें तो अब धीरे धीरे एक विकास की पद्धति पर यहाँ पर धीरे अच्छा काम हो रहा है।